एक जंगल की बात है, कालू कौवा एक पेड़ की टहनी पे बैठा था। वह बहुत काला था, तभी उसी के ऊपर एक पत्थर आके गिरता है। वह बेचारा डर के मारे नीचे गिर जाता है। अरे ऊपर वाले, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? सब मुझे मारते हैं, जहाँ भी मैं बोलूँ कुछ बोलता हूँ सब मुझे भगा देते हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा सोचते हुए वह जंगल की तरफ जाता है। वह जंगल की तरफ उड़ते उड़ते और देखता है वहाँ एक नदी के किनारे एक हंस बैठा होता है। अरे वाह 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 हंस जी, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा कलर तो बहुत ही प्यारा है, तुम तो देखने में बड़े ही गोरे और सुंदर लगते हो, तुम कितने खुशकिस्मत हो ना, तुम्हें तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं पर मुझे देखो दूर से ही भगा देते हैं, ये है मेरी किस्मत। अरे अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे पे तो सिर्फ एक ही रंग है जो कि मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। पास में ही तोता रहता है, पता है उसकी तो दो रंग है दो, वह तो देखने भी बहुत सुंदर लगता है, तुम जाओ उससे पूछो कि वह कितना खुशकिस्मत है। ऐसे कालू कौवा उड़ते उड़ते तोते के पास जाता है और कहता है, अरे अरे मिट्ठू भैया, तुम तो कितने प्यारे हो, तुम्हारे पास तो दो दो रंग हैं, तुम देखने में कितने सुंदर लगते हो, लोग तो तुम्हें कितना पसंद करते हैं। अरे अरे क्या बात कह दी कालू भाई तुमने, लगता है तुमने जंगल के मोर को नहीं देखा, अगर तुमने मोर पक्षी को देख लिया तो सबको पक्षियों को भूल जाओगे तुम, जब वो पंख लहराता है ना तो सातों रंग नजर आ जाते हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, जाओ तुम उसे जाके देखो। हाँ हाँ वैसे मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, ठीक है तो आज मैं उस पक्षी को जाके देख भी लेता हूँ कि वह सच में ही इतना खूबसूरत है। ऐसे कालू कौवा जंगल की तरफ मोर के पास जाता है। अरे वाह 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 मोर भैया, आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे पास तो कितने सारे रंग हैं, तुम तो रंग बिरंगे दिखते हो, सब तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे ना, लोग तो तुम्हें दूर दूर से देखने आते होंगे ना, क्योंकि तुम इस दुनिया का सबसे प्यारा पक्षी जो हो। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे परिवार को किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया है, और तो और कुछ दिनों बाद तुम देखना मुझे भी पिंजरे में कैद कर देंगे ये इंसान, हमारी खूबसूरती तो हमारी ही दुश्मन है जो कि हमें पिंजरे में कैद करवा लेती है, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत पक्षी तो तुम हो कालू, क्योंकि ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही पकड़ के कैद करता है। ऐसे कालू कौवा बहुत सोचता है और मोर को तसल्ली देके वहाँ से चला जाता है। वह लौट के अपने जंगल उसी टहनी पे आके फिर से बैठ जाता है और ऊपर वाले से धन्यवाद करता है कि उसने उसे काला जो बनाया, क्योंकि उसे कोई पकड़ता भी नहीं और तो और कोई उसे पिंजरे में नहीं डालता और पकड़ता भी नहीं। ऐसे वह मनी मन बहुत खुश होता है और अपनी खुशी की जिंदगी जीता है। प्यारे दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय।